नमस्कार दोस्तों, बिल्टोन डाटा इंट्री अपडेट का चयन जैसे ही होगा, चयन होने के बाद आपकी नियुक्ति की जाएगी और नियुक्ति में ही आपको ज्वाइनिंग लेटर में आपको सारा चीज़ दिया जाता है, जैसे कि आपकी सैलरी कितनी है और आपके कितने अवकाश मिलने वाले हैं। तो हम आपको यहाँ पर सारी वीडियो के माध्यम से सारी साझा यहाँ पर करवाने वाले हैं। उसमें भी आपको ESIC करता है, प्लस PF भी है, प्लस GST भी है, प्लस आपको सर्विस चार्ज भी करता है। इस सारे चार्ज को हम कैसे डिवाइड करेंगे, आपकी सैलरी कितनी इन हैंड आपको मिलेंगे, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। और पूरे एक साल में आपको कितने अवकाश मिलने वाले हैं, हम उस विषय पर भी बात करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन सिंह फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन सिंह ब्लॉग्स में। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दिखाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से तक शेयर करें कि सभी अभ्यर्थी को पता चले कि मेरी सैलरी कितनी होने वाली है जब बिल्टोन डाटा इंट्री अपडेट के पद पर चयन होगा। तो दोस्तों, ये ज्वाइनिंग लेटर है। ज्वाइनिंग लेटर के मुख्य विषय पर हम बात करना चाहते हैं, जिसकी सैलरी है, कितनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेंगे है, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। सारे कॉलम को हम नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉलम है जो उसको पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कलम है कि आपकी सैलरी कितने मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि आपको सैलरी जो है, सीरियल नंबर में देखिए किसी का नाम है, ठीक है, जो मैंने हाइड किया हूं, रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको मैं बता नहीं सकता इस वीडियो के माध्यम से। बेसिक सैलरी है जो आपको 12,403 है, अदर में आपको 8,209 है जो पूरी प्रकाशित नहीं किया है, सीधे अदर में डाल दिया है कि 8,209 रुपये कटते हैं। सर्विस चार्ज जो है, जो आपको उर्मिला को दिया जाते हैं, 550 रुपये। PF आपको जो कटेंगे 1,612 रुपये उस सैलरी में से। ESI में क्या होता है कि मेडिकल के लिए आप चेकअप कराने जाते हैं तो आपके लिए स्वास्थ्य विभाग वहाँ पर खुला हुआ है, फ्री में आप इलाज करा सकते हैं। जब भी जितनी भी खर्च हो आपका, वो आपको वहाँ पे जितनी भी लागत लगे वो आपको सरकार पे करेगी। तो उसके लिए आपको कम से कम 670 रुपये यहाँ पर लगते हैं। टोटल सैलरी की बात किया जाए, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 तीनों अगर मिलाया जाए तो 23,444 रुपये आपको है। इसमें से है SGST, यानी कि आपको जो चार्ज करते हैं तो 2110 रुपये इसमें चार्ज करते हैं। फिर GST की बात करते हैं तो 2110 रुपये करते हैं। तो टोटल आपको जितने पैसे करते हैं तो 4,220 रुपये यहाँ पर है। और ग्रेड टोटल, यानी कि आपको 9+12, यानी कि 9+12 को अगर जोड़ा जाए तो इसमें आपको 27,664 रुपये है। तो ये आपका सैलरी बनता है दोस्तों, जो विभाग के द्वारा बिल्टोन में UTR के माध्यम से कटती है, जो आपका सैलरी इतना कट जाएगा। लेकिन इसमें मिलेगा कितना, ये भी एक लॉजिक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, इसमें से मिलेगा लेकिन वही सैलरी मिलेगा जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। दोस्तों, आपको सैलरी कम से कम मिलेगा तो 17,204 रुपये आपको इन हैंड आपको मिलेंगे। बाकी पैसा कहाँ जाता है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई क्लेम करने की जरूरत नहीं है, इन है आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन सरकार से जो पैसा कटती है वो आपको यहाँ पर 27,664 रुपये आपको कटेंगे, लेकिन आपको बिल्टोन प्रोवाइड कराएगी 17,204 रुपये। ये तो समझ गए कि डाटा इंट्री ऑपरेटर के लिए आपको सैलरी 17,204 रुपये है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आपको 17,204 रुपये जो है सैलरी, उस सैलरी के अंतराल में आपको कम से कम हर साल आपको 10% इसमें से इंक्रीज होगा, यानी कि सैलरी में 10% इंक्रीज होगा। टोटल पैसा में आपको 10% इंक्रीज होते हैं, ठीक है। जहां आपका 27,664 रुपये है तो आपको 10% वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 29,000 के आसपास वहाँ पर सैलरी आपका हो जाएगा। लेकिन इन हैंड मिलेगा कितना भी हम आपको बताते हैं। अगर जनवरी में आपको ज्वाइन करते हैं, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, तो आपको कम से कम वहाँ पर 10% इंक्रीज़ हो जाएंगे अगले साल जनवरी में, ठीक है। अगर जनवरी के बाद जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है फरवरी से लेकर दिसंबर तक, तो आपको 10% एक साल में नहीं, दूसरे साल में आपको इंक्रीज़ होगी 10%। तो इस बातों पर ध्यान दीजिएगा, जो भी ज्वाइनिंग है 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में अगर ज्वाइन करते हैं तो अगले साल 1 जनवरी के 31 तारीख के बीच में आपको 10% बढ़ जाएंगे। तो मान लीजिए कि आपको 17,000 रुपये आपको है, 17,204 रुपये,
मान लीजिए दोस्तों 17,204 रुपये है, तो 17,204 रुपये जो है वो आपको पहला साल मिलता है, ठीक है। जैसे ही आपका नेक्स्ट ईयर होता है तो आपका 10% इंक्लूड हो जाता है, तो आपको मिलेगा 18,969 रुपया इन हैंड आपको मिलेंगे सैलरी 10% इंक्रीज करने के बाद, ठीक है। फिर आपको 10,969 रुपया आपको 10% इंक्रीज़ कर दिया एक साल में। फिर आपको अगले साल अगर इंक्रीज़ करता है तो फिर आपको मिलेंगे सैलरी, वो भी मैं बता देता हूँ, आपको मिलेंगे 21,036 रुपया। ये आपका तीसरे साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरे साल में आपको 21,036 रुपये आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह 10% बढ़ते रहते हैं, आप जोड़ते रहिएगा सारा चीज़, इन हैंड आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो ये हो गया सैलरी की बातें जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बता दिए हैं। किसी को कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सारी जानकारी हम आपको यहाँ साझा करवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अवकाश के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए अवकाश के बारे में हम नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको अवकाश के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि साल में आपके कितने अवकाश मिलेंगे। इसी तरह के दोस्तों वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिएगा, किसी को प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।